बच्चों, हमारे आसपास जंतुओं अथवा प्राणियों का एक विचित्र संसार है, जिसमें तरह तरह के जंतु रहते हैं, जिन्हें उनके आकार के आधार पर, उनके भोजन के आधार पर और उनके रहने के स्थान पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्राणियों को दो समूहों में बांटा गया है। ये दो समूह हैं कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी हम किसको कहते हैं? वो प्राणी जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कभी तुमने मानव कंकाल को देखा है? मानव के शरीर का जो कंकाल है उसको देखा है? देखो, हम तुम्हें दिखा रहे हैं इस चार्ट के द्वारा। ये है रीढ़ की हड्डी, देखा तुमने? ये मनुष्य के शरीर में बीचों बीच रहती है, ठीक है? ये है रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है मनुष्य की रचना में, उसके झुकने में, उसके चलने में, इन सब चीजों में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जिन प्राणियों के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम कहते हैं कशेरुकी प्राणी। जैसे हम तुमको ये चित्र दिखा रहे हैं, इसमें देखो तो तुम्हें रीढ़ की हड्डी दिखेगी, है ना? ये कुत्ते का कंकाल है, इसके अंदर देखो बीचों बीच ऊपर पीठ में तुम्हें रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, है? इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ? कशेरुकी प्राणी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उसी तरह कशेरुकी प्राणी के कुछ और उदाहरण तुम बता सकती हो हमको? कशेरुकी प्राणी जैसे गाय, हाँ ठीक है, और भैंस, हाँ, बकरी, हाँ आदि। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये है ना बकरी, ठीक है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए ये कशेरुकी प्राणी का उदाहरण है। उसी तरह अब तुम्हें हम दिखाते हैं गाय। ये देखो बैल है, ये बैल के भी रीढ़ की हड्डी होती है। गाय या बैल दोनों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए ये भी कशेरुकी प्राणी के उदाहरण होते हैं। तो वह प्राणी जिनमें कशेरुका पाई जाती है कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। दीदी कशेरुका क्या होती है? हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। अब देखो तुम्हें हम दिखाते हैं, ये जैसे है रीढ़ की हड्डी, ठीक है? अब तुम देखो इसमें तुम्हें गोल गोल एक के ऊपर एक छल्ले जैसे आकार का कुछ दिखाई दे रहा है ना? छोटी छोटी हड्डी की जो आकृति है छल्ले के आकार की, यही कशेरुका कहलाती है। और इन्हीं कशेरुकाओं से मिलकर बनती है हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है? अब यह हो गया कशेरुकी प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। लेकिन अगर तुम कभी नदी, तालाब या समुद्र के किनारे गए होगे तो तुम इसको पहचानते होगे। शंख, ये सीप। हाँ, शंख है, सीप है, घोंघा है, ये तुमने देखा होगा समुद्र के किनारे, नदी के किनारे और तालाब के किनारे ये पाए जाते हैं। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कीड़े होते हैं। हाँ, इसके अंदर कीड़े होते हैं और ये उनका होता है रक्षा कवच ऊपर से, जो उनकी सुरक्षा करता है कीड़ों की। इसके अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं, शंख के अंदर, सीप के अंदर और घोंघे के अंदर, ये अकशेरुकी प्राणी के उदाहरण होते हैं। अकशेरुकी प्राणी यानी जिनके अंदर कशेरुका या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जैसे उदाहरण हमने तुमको बताया और हम तुमको बताते हैं, जैसे ये है सांप। हाँ, क्या है? सांप है ना? सांप में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ? अकशेरुकी प्राणी का है। अगर तुम इसको अच्छी तरह समझ गई हो तो क्रांति, हम तुमसे पूछते हैं, तुम बताओ प्राणियों को किन दो समूहों में बांटा गया है? प्राणियों को कशेरुका, कशेरुकी तथा अकशेरुकी भागों में बांटा गया। हाँ, प्राणियों को दो समूहों में बांटा गया है, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी है और अकशेरुकी वो प्राणी है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती।
अच्छा, अगर तुम बच्चों इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए हो, क्रांति और अपूर्व, तो मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। तुम ये बताओ कि तुम अपने आप को क्रांति किस वर्ग में रखोगी, किस समूह में रखोगी? कशेरुकी समूह। कशेरुकी प्राणी के समूह में। अपूर्व, तुम क्या बता सकते हो कि तुम क्यों अपने आप को कशेरुकी प्राणी के समूह में रखोगे? क्योंकि हमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मनुष्य में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए मनुष्य भी किस समूह में आया? कशेरुकी प्राणी के समूह में आया। ठीक है। और जैसे अब हमने तुमको बताया कि घोंघा है, सीप है, सांप है, इनमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है, नहीं होते, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ना, इसलिए हम इनको कहते हैं अकशेरुकी। लेकिन मनुष्य जो है उसके में रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हमने अभी तुमको दिखाया, ये देखो ध्यान से, और ये मनुष्य के शरीर में बीचों बीच पाई जाती है, ये देखो, ये ये ये, ठीक है, ये, ये और ये बनी है गोल गोल अंगूठी जैसी, जो ये आकृतियां है ना, इनसे मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं कशेरुका, है ना। इसीलिए चूंकि कशेरुका पाई जाती है, इसलिए कशेरुकी प्राणी हो गया, और जिनमें इसका अभाव होता है या जिनमें कशेरुका नहीं होती है, उनको हम कहते हैं अकशेरुकी प्राणी। ये कशेरुका है, ये देखो, ये गोल गोल ये आकृतियां दिख रही है ना, छल्ले के जैसी, कैसी आकृति है इसकी, छल्ले के जैसी, अंगूठी के जैसी, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से इसकी रचना है, जैसे मोती होती है ना, माले में लगी रहती है, तुम देखो पिरोई जाती है, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, इस तरह से ये आकृति होती है। मनुष्य के शरीर को जैसे हम अपने शरीर को झुकाते हैं, चलते हैं, है ना, अपने उसको बदलते हैं, अपनी उसको बैठने के लिए अपने आसन को बदलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें ये रीढ़ की हड्डी बहुत उपयोगी होती है। तो बच्चों, ये तो हुआ तुम्हारा कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनके आधार पर, जो मतलब प्राणियों में पाई जाती हैं, जहां पर कि वो रहते हैं उस वातावरण के अनुसार, जैसे गाय है, बकरी है, बैल है, या देखो तुम ये बंदर है, तो इसके शरीर पर तुमको रोए दिखाई दे रहे होंगे, बाल दिखाई दे रहे होंगे, मनुष्य के शरीर पे भी पाए जाते हैं ना, तुम्हारे शरीर पे रोए होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, उसी तरह गाय है, बकरी है, बंदर है, बैल है, इनके शरीर पर छोटे छोटे रोए होते हैं। और जैसे पक्षी होते हैं, तुम बता सकते, पक्षी जो होते हैं उनके शरीर पर क्या पाया जाता है? पंख। पंख होता है, क्यों होता है पंख? पंख क्योंकि वो उनकी उड़ने में सहायता करता है, इसलिए उनके शरीर पर पंख होते हैं। पंख उनके उनके शरीर को उड़ने में सहायता देता है, पक्षियों के, है ना। और जो मछली होती है, सांप होता है या छिपकली होती है, उनके शरीर पे क्या होता है? शल्क। शल्क पाए जाते हैं, है ना। तो प्राणी या जंतु जिस वातावरण में रहता है, उस वातावरण के अनुसार या उस वातावरण के अनुकूल भी उसके शरीर की रचना होती है ना। क्यों? क्योंकि मेंढक को या मछली को तैरने के लिए, तैरते हैं ना वो पानी में, गलफड़ों की जरूरत होती है, ठीक है, उनके शरीर की रचना उस हिसाब से होती है। पक्षी है, उनको उड़ने के लिए पंख चाहिए, इसलिए उनकी रचना इस अनुसार होती है कि पंख रहे और वो आसानी से उड़ सके, है। और जो गाय है, बकरी है, बैल है, उसके अलावा तुम ये देखो, बर्फ जहां बहुत ज्यादा होती है, वहां जो कुत्ते आदि पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, उनके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, और ये बाल जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो उनकी रक्षा कर सकते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उन्हें ठंड लगती है ना, ठंड लगती है तो ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पे बाल होते हैं। तो ये उस वातावरण के अनुकूल उनके शरीर की रचना होती है, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। मुख्य रूप से जो आज बात हमें तुम्हें समझानी थी, वो थी कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी के बारे में, है ना। कशेरुकी प्राणी वह जिनके शरीर में कशेरुका पाई जाती है, कशेरुका या रीढ़ की हड्डी। अकशेरुकी प्राणी वो जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं अकशेरुकी
प्राणी। अब तुम हमें क्रांति एक उदाहरण दे दो कशेरुकी प्राणी का। कशेरुकी प्राणी का उदाहरण गाय, भैंस, बकरी। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अकशेरुकी प्राणी का उदाहरण है क्या है अपूर्व? हाँ नहीं बेटा, मगरमच्छ नहीं, सांप हो गया, फिर तुम्हारा घोंगा हो गया, सीप हो गया, ये सब जो है ये अकशेरुकी प्राणी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इस तरह से आज हमने तुम्हें क्या बताया, आज तुमने क्या समझा कि प्राणियों को हाँ बताओ समूहों में बांटा गया है। हाँ कशेरुकी प्राणी के समूह तथा अकशेरुकी प्राणी हाँ, के समूह में समूह में। और दूसरी बात यह है कि जिनमें कशेरुका नहीं पाई जाती वो कहलाते हैं अकशेरुकी प्राणी। हाँ अकशेरुकी प्राणी, और जिसमें कशेरुका पाई जाती है वो होते हैं कशेरुकी प्राणी। हाँ बिल्कुल ठीक।